आज दिल याद करेगा डांसर और एक्ट्रेस लक्ष्मी छाया को। लक्ष्मी छाया का जन्म 7 जनवरी 1948 को हुआ था। लक्ष्मी छाया का फिल्मों में आना सिर्फ एक इत्तफाक रहा। निर्देशक महेश कौल की नजर लक्ष्मी छाया पर तब पड़ी जब वो एक फिल्म के सेट पर कुछ मेहमानों के साथ बैठी हुई थी। महेश कौल को अपनी फिल्म के लिए लक्ष्मी जैसी ही एक बच्ची की तलाश थी। इस तरह 9 साल की उम्र में लक्ष्मी छाया को फिल्मों में ब्रेक मिला। 1958 में आई इस फिल्म का नाम था तलाक। इस फिल्म के 3 साल बाद 1961 में फिल्म बड़ा आदमी ने उन्हें एक डांसर के तौर पर पहचान दिलाई। इसके बाद तो उन्होंने तीसरी मंजिल, दिल ने फिर याद किया, उपकार, राम और शाम, आया सावन झूमके और पतंगा जैसी सफल फिल्मों में डांसर और दूसरे छोटे मोटे रोल्स किए। लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1971 में आई फिल्म मेरा गांव मेरा देश से। ये फिल्म उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म रही। इस फिल्म में मुन्नी बाई के रोल ने उन्हें बड़ी प्रसिद्धि दिलाई, स्टार बना दिया। फिल्म के 2 फेमस सॉन्ग्स मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं भी लक्ष्मी छाया पर ही पिक्चराइज हुआ और लोगों ने दिल खोल के उन्हें चाहा। इस फिल्म ने उन्हें स्टार तो बना दिया मगर फिल्मों में हीरोइन के रूप में अपनी पहचान बनाने का उनका सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि उन्हें जहां जागे वहां सवेरा फिल्म में धर्मेंद्र के भाई कुमार अजीत के अपोजिट और एक और फिल्म जिनकी दुनिया में रोशनी नहीं होती, इस फिल्म में हीरोइन बनने का मौका जरूर मिला मगर ये दोनों फिल्में बीच में ही बंद हो गईं। लक्ष्मी छाया फिल्मों में सेकंड लीड रोल्स तक ही सीमित रह गईं। ये सिलसिला 80 के शुरुआती दशक तक जारी रहा। आगे अधिक काम न मिल पाने की वजह से लक्ष्मी छाया को फिल्म इंडस्ट्री से किनारा करना पड़ा। इसके बाद में वो अपने डांसिंग स्कूल की देखरेख में व्यस्त हो गई। लक्ष्मी छाया ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 80 फिल्मों में काम किया। आखिरी दिनों में गुमनाम से जिंदगी बिताते हुए लक्ष्मी छाया 1 मई 2005 को कैंसर से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।